तो आज एक नया एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर करने लग रहे हैं। आज हम बनाएंगे कुल्हड़ के अंदर दाढ़। भगवान फूटना नहीं चाहिए, फट जाए। रोहन को पता नहीं क्या ही चस्का चढ़ा था जो ऐसे ऊट पटांग दाल बना रहे। एनीवेज, वैदिक अपने खिलौनों को खूब एंजॉय करता है। ये दो खिलौने इसके बर्थडे के ऐसे हैं जो इसे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। हालांकि दो तीन और हैं बट ये भी अच्छे हैं। तो ये दाल हो गई है रेडी। ये वैसा तड़का है जैसे हम नॉर्मल फ्राई पैन में लगा देते हैं, तो वैसा कुछ तड़का रोहन ने दाल में बनाया। खुद ही ट्राई कर रहे हैं, खुद ही खा लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं। रोहन की सबसे ख़राब आदत, बनाते बनाते खाते हैं। तो वैदिक को तो टाइम पास के लिए अपने खिलौने मिल गए हैं, लेकिन इससे पहले इसको भी हम दाल टेस्ट करवा देते हैं, क्योंकि वैदिक दाल मैक्सिमम टाइम खा लेता है, इसको पसंद है। चलो भाई, रोटी भी बना लेते हैं। दो दो रोटी और दाल, रात का डिनर कंप्लीट। तो गोल गोल रोटी रेडी। चलो फटाफट बनाते हैं और अपना डिनर करते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है रोहन के दाल के चक्कर में। बस तो दाल, अब मिर्च का अचार और रोटी। वैदिक को पहले टेस्ट करा देते हैं। भैया बर्तन भी हो गए खूब सारे, और वैदिक देखो खाट के नीचे घुस के खेलता है। ये हमेशा बॉल के चक्कर में वहाँ चला जाता है, इसको बॉल से खेलना बहुत पसंद है। तो यहाँ चला दिया वैदिक का टीवी, क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो इसको सुलाने की कोशिश है। लेकिन ये बच्चा बहुत हीट है, बिल्कुल नहीं सोता है। तो टाइम भी कुछ हो गया है अभी 11:15, और फाइनली वैदिक सो चुका है। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है सोने में, और ये पूरा टाइम टीवी देख के ही सोना पसंद करता है। पर ठीक है, बच्चा है, अभी जैसा ये चाहेगा हमें इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। एनीवे, हम लोग भी, मैं पीऊँगी अकेले दूध, क्योंकि रोहन भी इस टाइम सो चुके हैं। तो आप लोगों से भी मिलते हैं नए नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अच्छा लगे तो